लखनऊ, हरदोई और कानपुर जैसे शहरों में बीते 48 घंटे से बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रामनगरी अयोध्या में जलभराव की समस्या से लोग घर में कैद हो चुके हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से हल्की ठंड का एहसास भी होना शुरू हो गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने 23 जिले में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बता दें, कई जिलों में लगातार बीते 48 घंटों से बारिश हो रही है, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, हरदोई और कानपुर जैसे शहरों में बीते 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या में जलभराव की समस्या से लोग घर में ही कैद हो गए हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक लखीमपुर खीरी से और महाराजगंज से। टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी से और महाराजगंज से, जहां आप देख सकते हैं लगातार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई दिक्कतों का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। जिलों में लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है, जिसमें अयोध्या, लखनऊ, हरदोई और कानपुर जैसे शहरों में बीते 48 घंटे से बारिश होने से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर से नीरज जुड़ेंगे, धीरज जुड़ेंगे और लखनऊ से विवांशु जुड़ेंगे। सबसे पहले चलेंगे विवांशु के पास। विवांशु, यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, आप लखनऊ में हैं, अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है बारिश को लेकर? जी, मैं आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो देश में अभी कहीं मानसून सक्रिय है तो कहीं मानसून की विदाई हो चुकी है, मगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो मौसम विभाग की तरफ से 51 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग से, और चेतावनी दी गई कि लगभग 9 अक्टूबर तक भारी बारिश देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं देखे तो अभी अगर पिछले दो दिनों की बात करें तो दशहरा का त्योहार भी कहीं ना कहीं बारिश के चलते फीका देखने को मिला। वहीं अगर देखें तो इससे आम जनमानस को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें राजधानी लखनऊ के पौश इलाकों में और खासकर जो निचली जहाँ की जो क्वार्टर है, जो जमीन जहाँ की निचली है, वहां पानी आपको देखने को मिल रहा है, जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिससे साफ तौर से अगर बात की जाए तो कल की बरसात से कहीं ना कहीं महानगर के अंदर में करामात मार्केट के अंदर में एक पूरी बिल्डिंग ढक गई है, तो इससे साफ तौर से भारी है बारिश का नुकसान कहीं ना कहीं जनता झेल रही है। मगर वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों के अंदर में कहीं ना कहीं खुशहाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी किसान धान की खेती करते हैं और धान की खेती में सबसे अधिक अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो जो है पानी की होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो सूखे की मार झेल रही थी उससे राहत किसानों को मिला है। मगर अगर शहरी क्षेत्रों में बात करें और जो पौश इलाके हैं वहां भारी बारिश से कहीं ना कहीं आम जनमानस की हालत खराब हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो 51 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो 9 अक्टूबर होगा तब तक भारी बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बारिश की बात की जाए तो यहाँ बालू अड्डे के अंदर में मलेरिया और डेंगू के पेशेंट भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसको लेकर लखनऊ के सीएम और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की डीजी हेल्थ लिली सिंह ने निर्देश जारी करते हुए डेंगू के इलाज के लिए साथ ही साथ अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था का आदेश दिया है। मगर कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, लोकल अथॉरिटी है, उसकी पूरी तरह पोल खुलते हुए नजर आ रही है कि बारिश के पहले तमाम दावे वादे किए जाते हैं कि पानी निकासी को लेकर बेहतर प्रबंध किए गए हैं, मगर इस दो दिन की भारी बारिश में नगर निगम अब लोकल अथॉरिटी जो है उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है, जलजमाव पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए
तो सूबे के मुख्यमंत्री के कार्यालय के ठीक सामने, जिससे अगर बात करें तो इको ग्रीन के पास पूरे लखनऊ की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, मगर पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो इको ग्रीन पे सरकार की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया। आप देखने वाली बात यह होगी कि इस जुर्माने के बाद इको ग्रीन, जो लखनऊ के साफ सफाई और जल निकासी का जिम्मा संभालती है, वो अपने कार्य प्रणाली में कितना बदलाव करती है। वही नंदनी आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बारिश से एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरे तरफ गम है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो भी इसी महीने, पिछले महीने आपने देखा कि लखनऊ के गुलिस्ता में एक दीवार गिर जाने से लगभग 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बारिश किसी के लिए खुशहाली ले आ रही है तो किसी के लिए यातना। जी विवांशु बने रहिएगा हमारे साथ, फिर रुक करेंगे आपका। अब चलते हैं लखीमपुर, जहां संवाददाता धीरज मौजूद है। धीरज, लगातार लखीमपुर में बारिश हो रही है, क्या कुछ स्थिति है अभी वहां की? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से पूरी तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त हो गया है। अगर हम लखीमपुर जनपद मुख्यालय की बात करें तो जो सड़कें हैं, जो जहां पे आला अधिकारी रहते हैं, जहां पे नेताओं का निवास स्थान है, वहां पर लखीमपुर की अगर शहर की अगर हम बात करें तो जो रोडे हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना है, पूरी तरीके से जल भराव है। करीब 2-2, 3-3 फीट पानी भराव। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरीके से भी परेशानी का सामना लोग उठा रहे हैं। अगर हम किसानों की समस्या की बात करें तो लगातार 3 दिन से जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो किसानों की जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं पर अगर तिल्ली की फसल की हम बात करें तो वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब किसान की जो गन्ने की फसल, पूरी साल करीब भर की कमाई जो होती है, वो गन्ने की फसल तेज हवाओं के कारण से पूरी जमीन पे पूरी तरीके से बिछ गई है। तो किसान जो है पूरी तरीके से परेशान है, किसानों को पूरी तरीके से समस्याएं जो है वो बनी हुई है अब। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की हम रास्ताओं और नालियों की बात करें तो पूरी तरीके से रास्ता और नालियां जो है वो चोक पड़ी हुई है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, गंदगी भी फैली हुई है, जल भराव पूरी तरीके से। तो अगर ये जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई है, एक तरीके से किसानों पे भी कहर बनकर टूटी हुई है। तो धीरे जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, जल अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात, तो चाहे वो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी या कर्मचारी हो, पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। ग्राम प्रधान हो, अगर हम बात करें नगर निगम की, तो पूरी तरीके से लखीमपुर जनपद में जो है लापरवाही देखने को मिल रही है, चाहे वो आला अधिकारी हो या छोटे या बड़ा कोई भी अधिकारी हो, लेकिन पूरी तरीके से लापरवाही बरती, जिससे अब चलते हैं विवांशु के पास। विवांशु, राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ और कहा गया है बारिश को लेकर? जी, अगर बात करें राजधानी लखनऊ के फॉरकास्ट डिपार्टमेंट की, तो साफ तौर से निर्देश है कि उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, यानी कि आपको बताएं कि माइल्ड तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखें तो मौसम कहीं ना कहीं मिजाज सेकेंडों में बदलते हुए नजर आ रहा है। और साफ तौर से अगर देखें तो इससे कहीं ना कहीं जो लोकल अथॉरिटी है, एलडीए है, उसकी जो तमाम दावे वादे हैं पानी के निकासी को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस जल भराव से कहीं ना कहीं जो नालियों का पानी है वो घरों में लोगों के घुस रहा है, जिससे आम जनमानस कहीं ना कहीं परेशान है और वो इस तरह की अपेक्षाएं लगाए बैठा है कि नगर निगम की तरफ से बेहतर व्यवस्था किया जाएगा जल निकासी को लेकर। मगर हर साल की भली भांति बस चुनावी दावों की तरह नगर निगम के दावे रह जाते हैं। मगर देखने वाली बात यह होगी कि साल के अंत में नगर निगम चुनाव है, तो क्या इन सभी समस्याओं का जो नतीजा है वो चुनाव के ऊपर नजर आएगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो लखनऊ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्ता भाटिया महापौर है, उनके पास जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी चुनौती का विषय होगा कि जहां जो इको ग्रीन कंपनी है उसकी लापरवाही के देखते हुए से नगर निगम की तरफ से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो अगर जुर्माना लगाया जा रहा है तो क्यों नहीं कंपनी को निष्कासित करके नई कंपनी जो कि बेहतर ढंग से काम कर सके उसे जिम्मा दिया जाए, ये भी चुनौती का विषय है नंदनी। और जल्द ही देख सकते हैं कि नगर विकास मंत्री AK शर्मा जो नगर है उनको विकास को लेकर कुछ बेहतर पैकेज दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में कहा है। तो अब क्या बदलाव आता है, साथ ही साथ अगर वापस लौटे मौसम पर, तो मौसम आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिनों से
रुक रुक कर बारिश आ रही है लखनऊ के अंदर में। वही अगर बात की जाए 1.29 सेंटीमीटर बारिश मापी गई है लखनऊ के अंदर में। वही अगर देखें तो साफ तौर से इस बरसात से अगर देखें तो तराई क्षेत्र में वहां के किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये जो बरसात है वो उनके खेतों के लिए कलंक बन के साबित हो गया। मगर जो ऊंचे क्षेत्र है यानी कि फैजाबाद से आगे और इन सब क्षेत्रों में किसानों के लिए बारिश खुशहाली ले आ रही है, क्योंकि अगर देखें तो पूर्वांचल को सूखाग्रस्त करने की मांग की जा रही थी, मानसून की देरी हुई थी, मगर बारिश का मैं अगर देखें तो मिजाज बदल चुका है, मौसम का भी मिजाज बदल चुका है और पूरे प्रदेश भर के 51 जिलों में साथ ही बिहार के कई राज्यों में भारी बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है और 3 दिनों से लगातार अपने मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो किसानों को कितना फायदा होता है ये आने वाला समय बताएगा, मगर जो तराई क्षेत्र है, जो निचला क्षेत्र है, वहां के किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश कलंक साबित हुए नजर आ रही है। जी जी विवांशु, एक बार रुक करेंगे फिर से धीरज का। धीरज, जैसे आपने बताया कि क्षेत्र में जल भराव है तो इससे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है इसको देखते हुए? जी बिल्कुल, आपको बता दें लखीमपुर खीरी के जो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिससे आम जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों ने जो ग्राम प्रधान है, जो सचिव है, ब्लॉकों पे भी मांग की हुई है, लेकिन अभी तक इस तरीके की न तो जल निकासी की कोई शुरुआत की गई कहीं पे, पूरी तरीके से जल भराव की जो समस्या है पूरी तरीके से इसकी तस बनी हुई है। जी धन्यवाद धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए, और विवांशु आपका भी धन्यवाद। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।